उस वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था जब उन्होंने मुझे इंडिया के टॉप के बॉलीवुड एक्टर्स से कंपेयर किया और कहा कि उनको उनको मेरा काम देखने में बहुत मजा आता है। ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है एक एक्टर के लिए। ये एक इट्स अ प्राउड मोमेंट। कितनी बार आप क्या टीवी के किसी शो में क्या आपको रिप्लेस किया गया, क्या आपको ऐसा हुआ कि पहले आपको तय कर लिया गया, पायलट शूट कर लिया गया, फिर आपको कहा गया, क्या ऐसी घटनाएं भी आपके साथ हाँ हुई? हाँ 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 मेरे हिसाब से सबके साथ ही हुई होगी। काफी ऐसे शोज थे जहाँ पायलट शूट कर दिए और फिर काम नहीं मिला। काफी ऐसे शोज है काफी तो नहीं है वैसे, एक ही शो है जहाँ मुझे रिप्लेस किया गया था, वो है लागी तुझसे लगन, क्योंकि मुझे वो फिल्म मिल गई थी जैसे मैंने कहा, और मैंने उन्हें फिर 4 महीने का नोटिस दिया था और फिर मैं उस फिल्म की तरफ बढ़ने लग गया। तो लागी तो से लगन में बस रिप्लेसमेंट आया था, और तो मुझे ख्याल नहीं है कोई। मेरे ख्याल से इश्क रंग सफेद तो अपने टाइम पर बंद हुआ था, स्टोरी कंप्लीट हो गई थी उसकी। एंड कुमकुम भाग्य में मैं था ही नेगेटिव लीड में, तो मुझे बताया गया था कि आपका 1 साल का काम होगा। ओके, एक सवाल है, साईंराज कांबले पूछते हैं, वन ऑफ द फेवरेट शो इश्क का रंग सफेद, डू यू रियली थिंक दैट कॉन्सेप्ट वर्क इन रियल लाइफ, वांट टू नो फ्रॉम यू। पता नहीं यार साईराज, आई थिंक अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ पर डिपेंड करता है। अगर आपको चलाना है, अगर आपको किसी ऐसे ही इंसान से प्यार हो जाता है और उस इंसान को भी आपसे प्यार है और उस इंसान को भी आपके साथ जिंदगी निभानी है, तो फिर सारे समाज से लड़ना बनता है। फिर तो मस्त हो जाएगा, फिर तो मजा आएगा। ऐसे प्यार में तो बहुत थ्रिल और बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। तो यार अगर तुमको ऐसा प्यार हुआ है तो गुड लक। मैं कह रहा था कि इश्क रंग सफेद के शूटिंग के दौरान की कोई एक ऐसी घटना या ऐसी बात या ऐसा कोई किस्सा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे और वो बहुत दिलचस्प है, हमें हमारे साथ साझा करें। ओके, सॉरी मैं अपने मुंह से थोड़ी तारीफ करने वाला हूँ हाँ बिल्कुल। लेकिन चलिए मैं नाम नहीं लूंगा। तो फिल्म सिटी में क्या होता है कि टूरिस्ट बसेस आती है, राइट? हर 4 घंटे में टूरिस्ट बस निकलती है, और अगर वो लोग बाहर शूटिंग देख ले तो वो लोग रुक के बाहर आके हम सबसे हाय हेलो करते और बातें करते। एक बार एक ग्रुप आया, मेरे ख्याल से लखनऊ से आया था या इंदौर से आया था, और वो सारी लेडीज थे और सब बुरखे में थे। एंड उन सब लोगों ने चिल्ला के एक बात कहा कि मिशाल जी, हमें आपकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद है, आज के दौर में जितने भी एक्टर्स हैं उन सबसे ज्यादा हमें आपकी एक्टिंग पसंद है। उन्होंने काफी वहां पर नाम लिए जो मेरे एज ग्रुप के एक्टर्स हैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। और उस वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था जब उन्होंने मुझे इंडिया के टॉप के बॉलीवुड एक्टर्स से कंपेयर किया और कहा कि उनको उनको मेरा काम देखने में बहुत मजा आता है। ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है एक एक्टर के लिए। ये एक इट्स अ प्राउड मोमेंट। इट्स प्राउड मोमेंट। देखिए, वो बात मेरे आंखों के सामने एकदम लाइव कभी भी चल सकती है, एकदम विविड तरीके में वो जमा हो चुकी है मेरे मेमोरी में। क्या बात है,